जय हिंद, एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने मेड इन इंडिया मिसाइल का परीक्षण किया है। वह मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, वह मिसाइल कहाँ बनी है और किस एजेंसी ने बनाया है, इस सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि मिसाइल बनता कैसा है, मिसाइल जो है वर्क कैसे करता है, मिसाइल किसी टारगेट को फिक्स कैसे करती है, वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल कौन है, वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल कंट्रीज कौन है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप 10 या टॉप 5 में जानी जाती है, वो कौन सी कंट्री है जो सबसे बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती है, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी का पूरा जोर आत्मनिर्भर भारत पर है। मेक इन इंडिया के तहत देश की सैन्य ताकतों को मजबूत करने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अब मेक इन इंडिया के नाम पर एक और उपलब्धि भारत के साथ जुड़ गया है, भारत के नाम के साथ जुड़ गया है। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया। आप इस ध्रुवास्त्र की फिगर को आप पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है, जो डायरेक्ट और टॉप मोड दोनों से किया है। आप देखिए कि इसका परीक्षण कैसे किया गया है। मिसाइल की ताकतें जो है दुश्मनों के कान खड़े कर देगी और रोंगटे भी खड़े कर देगी। ओडिशा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई के बीच इस मिसाइल का परीक्षण किया गया और इसे जल्द ही सेना के साथ सौंपा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है और ये जो है ये मिसाइल कितनी मारक क्षमता इसकी कितनी है और ये कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ जोड़ा जाएगा। हेलीकॉप्टर ध्रुव क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हेलीकॉप्टर ध्रुव क्या है, जिसकी ताकत जो है वो पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर देती है। आप हेलीकॉप्टर ध्रुव को पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, यही है हेलीकॉप्टर ध्रुव, जो कि पूर्णतः स्वदेशी और भारत में ही बना है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसी हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो आप इस समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी होगी। इसी हेलीकॉप्टर के साथ ध्रुवास्त्र को जोड़ा जाएगा और इस हेलीकॉप्टर को आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी को भी दिया जाएगा। अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक्स पे ध्रुवास्त्र पर। जैसा कि मैंने बताया कि ध्रुवास्त्र हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ तैनात किया जाएगा और इसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ध्रुवास्त्र को हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ तैनात किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर के बीच में है। 4 से 7 किलोमीटर दूरी अब मार कर सकती है और किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है। अगर आपको DRDO का फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक DRDO एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के हेड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। DRDO के पास अपना 51 नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज है, जो एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस, मटेरियल, मिसाइल्स और नोवेल सिस्टम पर वर्क करती है। ध्रुवास्त्र का पहले जो नाम दिया गया था वो नाग या हेलिना नाम दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया। हाल ही में DRDO ने चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना को लद्दाख घाटी में पहला स्वदेशी ड्रोन कैमरा भी उपलब्ध करवाया है, जो कि DRDO के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि ड्रोन बनता कैसे है और ये वर्क कैसी करती है। मिसाइल को डिफरेंट पार्टों में बांटा जा सकता है। उसका अगले जो पार्ट है उसको अगले पार्ट को हम लोग कहते हैं फोटो डिटेक्टिंग सेंटर, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फोटो डिटेक्टिंग सेंटर। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक सूट। उसके बाद उसके जो बॉडी रहता है, ये जो मेटालिक बॉडी जो आपको ये दिख रहा है, इसे मेटालिक बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर जिसमें हम लोग बारूद रखते हैं उसका नाम होता है मिसाइल कैविटी एंड प्रोपेलेंट, उसी में मिसाइल रखा जाता है। बाकी ये जो चार जो आपको इसको पंख दिख रहे हैं, जिसे हम फ्लाइज भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल सरफेस, मिसाइल का कंट्रोल सरफेस कहते हैं। इसे हम 4-5 भागों में बांट दिए हैं। मिसाइल का जो बॉडी बना रहता है स्टील और एलॉय का या एल्युमिनियम का, जो हाई प्रेशर हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम का बना रहता है, जिस पर क्रोमियम का कोटिंग किया जाता है, जो एक्सेसिव प्रेशर और हीट को झेल सकता है। उसके बाद एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह हाई स्ट्रेंथ और लो वेट प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये मिसाइल को बनाया कौन, इस मिसाइल का इन्वेंशन कौन किया। तो इस मिसाइल को बनाने वाले दो महापुरुष थे, जिनका नाम था वाल्टर डॉन बर्गर और वर्नर वॉन बॉर्न ने किया था, जिसको पहली बार यूज 1944 में लंदन अटैक में किया गया था। इस लंदन अटैक में इस मिसाइल का यूज किया गया था और इन्हीं दो महापुरुषों ने इस मिसाइल का
परीक्षण किया था और मिसाइल को बनाया था। उसके बाद 1944 में लंदन अटैक के लिए इसका यूज किया गया था। अब बात करते हैं कि यह मिसाइल काम कैसे करती है, यह मिसाइल वर्क कैसे करती है। एक मिसाइल लगभग 7000 माइल्स पर आर के स्पीड से ट्रेवल करती है, जो स्पीड ऑफ साउंड के लगभग बराबर ही है। इसका फ्लाइंग टाइम जो है सेकेंड में काउंट किया जाता है। मिसाइल को बेसिकली 8 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे पहले हम कहते हैं रेडॉन, सेकेंड है गाइडेंस, थर्ड है वॉरहेड, फोर्थ है ऑटो पायलट, फिफ्थ है डॉर्सल फिन्स, सिक्स्थ है रॉकेट मोटर, सेवेंथ है स्टीयरिंग कंट्रोल, थर्ड उसका एट जो है उसको कहते हैं कंट्रोल सरफेस। ये 8 फंक्शन सेक्शन है जिसे मिसाइल के फंक्शन सिस्टम के हिसाब से डिवाइड किया गया है और इसी 8 पर मिसाइल वर्क करती है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि रेडॉन, गाइडेंस, वॉरहेड, ऑटो पायलट, डॉर्सल फिन्स, रॉकेट मोटर और स्टीयरिंग कंट्रोल और कंट्रोल सर्विस कैसे वर्क करती है। और सबसे पहले इसमें है रेडॉन। बेसिकली रेडॉन मिसाइल के नोज के रूप में लगाया जाता है। यह बेसिकली नॉन मेटालिक मटेरियल का बना होता है जो रेडार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंडो की तरह वर्क करता है। ये एक तरह का हीट सीकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल होती है जो मिसाइल के अंदर लगी होती है। इसके बाद रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करती है जो टारगेट से बाउंस बैक होकर जहाँ पे वो जो मारक क्षमता होती है, जहाँ पर मान लीजिए कोई दुश्मन आ रहा है उससे वो बाउंस बैक होकर वो बताती है कि उस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि वो हमसे कितना दूर है, उसकी स्पीड बताती है कि उसकी गति कितनी है, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इस रेडॉन का सिंपली यही काम है कि वो जो सामने से जो मिसाइल आ रही है उसे ध्वस्त करने के लिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और उसके स्पीड को बताता है। अब हम चलेंगे गाइडेंस पे। गाइडेंस होता क्या है? गाइडेंस सिस्टम का काम करता है लॉन्च कंट्रोलर द्वारा भेजे गए रेडियो कंट्रोलर को रिसीव करना। यहाँ पर लॉन्च कंट्रोलर का मतलब कंप्यूटर से है, ना कि किसी इंसान से। रेडियो इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही गाइडेंस सिस्टम टारगेट के इफिशियंट पाथ को कैलकुलेट करता है। गाइडेंस सिस्टम मिसाइल के सारे फंक्शंस को लॉन्च कंट्रोलर के पास ट्रांसमिट करता है, जिससे कि लॉन्च कंट्रोलर मिसाइल को मॉनिटर कर सके कि वो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट स्पीड क्या है, वो गाइडेंस का काम है। रेडॉम उसका लोकेशन का पता करके गाइडेंस को भेजता है और गाइडेंस पूरे सिस्टम को बताती है कि एग्जैक्टली में जो सामने जो मिसाइल आ रहा है वो है कैसा। इसलिए गाइडेंस का ये काम है कि वो टारगेट को इफिशियंट करता है। उसके बाद है वॉरहेड। वॉरहेड क्या होता है? तमाम तरह के एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब होता है बारूद। तमाम तरह के बारूद जो होते हैं जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए जाते हैं वो वॉरहेड में ही होते हैं। ये वॉरहेड देख रहे हैं इसी में एक्सक्लूसिव भरे जाते हैं। अब ऑटो पायलट क्या होता है? ऑटो पायलट अगला पॉइंट है। ऑटो पायलट एक तरह का एक सिस्टम होता है। ऑटो पायलट एक तरह का एक सिस्टम होता है जो मिसाइल को वेलोसिटी, स्पीड, लोकेशन, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ यह मिसाइल को कंट्रोल सरफेस द्वारा मोशन चेंज करने की कैपेसिटी को भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें एक एंटीना भी लगा रहता है जो इन्फॉर्मेशन को होम कंट्रोलर से ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है। उसके अलावा इसमें एक बैटरी भी लगा रहता है जो मिसाइल को इलेक्ट्रिकल और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है डॉर्सल फिन्स। डॉर्सल फिन्स मिसाइल के बॉडी से ही अटैच रहता है और एयर प्रोसेसर के अगेंस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है, या कंट्रोल सिस्टम से डॉर्सल सरफेस का इस्तेमाल मिसाइल के डायरेक्शन और अल्टीट्यूड को चेंज करने के लिए किया जाता है। थर्ड है रॉकेट मोटर। रॉकेट मोटर क्या होता है? रॉकेट मोटर आप किसी मिसाइल के पीछे देख सकते हैं, जहाँ से लॉन्चर होने के बाद जहाँ से आग निकलता है वहीं रॉकेट मोटर लगा रहता है। सॉलिड केमिकल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो यह एक केमिकल मिसाइल को लॉन्चर से स्पेस में ले जाने में यह हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग कंट्रोल। यह स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? स्टीयरिंग कंट्रोल का जो काम होता है कंट्रोल सरफेस को इलेक्ट्रिकली चेंज कर देता है, जो मिसाइल की मोशन को चेंज कर जाता है और ये ऑटो पायलट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर यह रिएक्ट करता है। उस अगला जो है कंट्रोल सरफेस। दोस्तों आपने पीछे सुना होगा कि मैंने कंट्रोल सरफेस के बारे में बहुत जगह इसका कंट्रोल सरफेस का यूज किया था। ऐसे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि कंट्रोल सरफेस क्या है। ये कंट्रोल सरफेस आप फिगर में देख सकते हैं, ये 4 विंग्स जो मिसाइल में दिखे रहते हैं, ये 4 विंग्स होते क्या है? आपको इस विंग्स का मतलब नहीं पता होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सरफेस। ये कंट्रोल सरफेस 4 विंग्स होती है। कंट्रोल सरफेस के मिसाइल के डायरेक्शन को चेंज करने में सबसे अधिक यूज किया जाता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो अगला है कि कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तहलका मचाए हुए हैं। तो वो है रसिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया
उसके बाद है ईरान, उसके बाद इजराइल, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये सब देश आता है। अब हम बात करेंगे कौन से टॉप 5 मिसाइल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो खौफ खाती है, जो पूरे वर्ल्ड उससे खौफ खाती है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है SSN-30, दूसरा है LGM-30 मिनट मैनी थर्ड ICGM, उसके बाद थर्ड जो है RS-28 सरमत, जिसको हम स्तन 2 भी कहते हैं। फोर्थ है DF-41, फिफ्थ है डोमाहॉक क्रूज मिसाइल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।